लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ब्रह्मा कुमारी की फिल्म द लाइट अ जर्नी विद इन 1 मार्च को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई। 1 मार्च को फिल्म को राजकोट, हैदराबाद और उल्लासनगर के सिनेमाघरों में दिखाया गया। फिल्म की बॉक्स ऑफिस ओपनिंग को लेकर ब्रह्मा कुमारी सदस्यों में बेहद उमंग उत्साह दिखाई दिया। वहीं शहर की जानी मानी हस्तियों ने भी फिल्म द लाइट को देखा और फिल्म के साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्था की भी सराहना करते नहीं थके। वहीं फिल्म को देखकर संस्था से जुड़ी सीनियर सिस्टर का कहना था कि फिल्म देखकर वो ब्रह्मा कुमारी की स्थापना के दौर में पहुंच गए। अद्भुत मूवी लगी मुझे। एक्चुअली ये मूवी नहीं पर एक अलग एक्सपीरियंस था। करीब 1.5-2 घंटे मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ अलग दुनिया में हूँ और कुछ अलग अनुभूति हो रही है। राजकोट में आज आईनॉक्स थिएटर के अंदर द लाइट मूवी का शुभारंभ हुआ है। ये मूवी ब्रह्म कुमारी की जो संस्था है उसके ऊपर आधारित है। एनिमेटेड मूवी है जिसके मार्फत पूरी इस जर्नी को दिखाया गया है और साथ ही साथ के अंदर की जो एक इस संस्था का, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक ध्येय है कि हम पूरे विश्व को एक मूल्य आधारित विश्व बनाए, उसके अंदर इन संस्था द्वारा जो काम करने में आ रहा है उसको भी प्रदर्शित किया गया है। मैं इस मूवी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ के साथ पूरी समग्र संस्था को अभिनंदन देता हूं कि आपने इस भागीरथ कार्य को एक मूवी के द्वारा सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूं कि भारत के सभी लोग इस मूवी को देखें और इससे प्रेरणा लें। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बड़ी प्रसन्नता के साथ पूरी फिल्म देखी। पूज्य बाबा का पूरी जीवन चरित्र और आपने जो पूरी विश्वविद्यालय खड़ी करके ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना की, पूरी जर्नी और उसमें आध्यात्मिकता, समाज सेवा के साथ पूरे वर्ल्ड को कैसे स्पिरिचुअली आगे बढ़ाए उसके लिए जो संदेश दिया है, मैं बड़ी बहुत अच्छा लगा। मैं मानता हूँ कि जो भी लोग देखने आएंगे उनको बाबा के जीवन की जीवनी से प्रेरणा तो मिलेगी। एक अवश्य प्रेरणादायी फिल्म है, साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी में एक डुबकी लगाने के लिए भी एक आह्वान है कि आइए हम सब जो मनुष्य हैं और खास करके यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी बहनों के महिला का सम्मान की बात की है, महिला को स्पिरिचुअली इक्वालिटी का राइट दिया है, ये सबके लिए ये फिल्म सही में एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी और आने वाले दिनों में राजयोग के माध्यम से कैसे हम सब लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ पाए इसके लिए ये पिक्चर, ये चित्र, ये एनिमेटेड फिल्म बहुत अच्छा रास्ता दिखाएगी। पिक्चर बहुत अच्छी थी, सत्यता की राह पर चलाने वाली थी और हारना नहीं, चलते ही रहना, सत्य पर चलते रहना। हमेशा बाबा ने ऐसे सीखते हैं कि हारना नहीं, जो जाए हो जाए। ये पिक्चर है ना, सभी स्कूल कॉलेजों में दिखाओ क्योंकि ये यूथ को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा।